विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मतदाता जागरूकता रथ को सोमवार को कलेक्टरेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर डीएम रोशन कुशवाहा ने रवाना किया। डीएम ने बताया कि प्रत्येक अनुमंडलों के लिए अलग अलग जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। इस रथ के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ को होगी। यह 14 नवंबर से 23 नवंबर तक क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले संबंधित प्रखंड, पंचायत, बूथ समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगा। मतदाता जागरूकता रथ के सफल संचालन के लिए अनुमंडल स्तर पर एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस कर्मी के द्वारा जागरूकता रथ के संचालन व लॉगबुक का संधारण किया जाएगा। एसडीओ को दैनिक रूप से रिपोर्ट देंगे। डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि बीडीओ सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि थाना पुलिस से संपर्क स्थापित कर इस रथ का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित कराएंगे। डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक सूची में नहीं है अपना नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रपत्र 6 भरकर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही कहा कि नाम हटाने अथवा दो जगह नाम होने पर किसी एक जगह से नाम विलोपित करने हेतु प्रपत्र 7 का प्रयोग किया जा सकता है। निर्वाचक सूची में अपने नाम या फोटो सुधार हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र हस्तांतरण करने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। डीएम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है जो कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक है। इसमें कोई भी नया मतदाता जो अगले साल 1 जनवरी को जिनकी तिथि पूरी हुई उनका नाम जुड़ेगा, और इस बार जो विशेष किया गया है कि साल में 4 बार जो वोटर लिस्ट अपडेट होगा उसके तहत भी जो नए मतदाता हैं वो अपना नाम जुड़ सकते हैं। ये एनुअल एक एक्सरसाइज है जिससे हम लोग अपने वोटर लिस्ट को पूरा सैनिटाइज करते हैं, देखते हैं, और ख़ास तौर से कुछ वैसे लोग जो अगर मृत हो गए हैं तो उनका भी सर्वे करके नाम हटाया जाता है। कुल मिला जुला के वोटर लिस्ट को रिफाइन करने का ये कार्य है। अभी हम लोगों ने एक जागरूकता रथ का भी 5 जागरूकता रथ अभी अनुमंडल के लिए हम लोगों ने निकाला है। ये भी लोगों के बीच में जाएगी और इसमें विशेष लोगों के इसमें जानकारी मिलेगी। 2 स्पेशल डे रखे हैं, मतलब 4 हैं, शनिवार और रविवार करके। एक अभी हम लोगों का हो गया जिसमें भारी संख्या में आए, और एक अगले महीने 3 और 4 तारीख को है। तो इसमें भी सभी बीएलओ जो हैं हमारे सभी बूथों पे भी जाएंगे और उनके माध्यम से भी लोग अपना फॉर्म भर के दे सकते हैं। एक विशेष काम जो वोटर लिस्ट में हमारे सभी मतदाता आधार से अपना वोटर आईडी को जोड़ने का, इसके लिए भी स्वेच्छा से लोगों से लिया जा रहा है। लगभग 65% लोगों ने अपने ज़िले में अपना नाम दे दिया। बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो भी अपना आधार कार्ड से अपने वोटर कार्ड को जुड़वाएं, ताकि जो निष्पक्ष चुनाव है, जो वोटर लिस्ट है, उसको हम लोग और मजबूत कर सके और चुनाव में हम लोग इसको पारदर्शिता तरीके से लागू कर सकें। कुछ ऐसे भी मतदाता आएंगे जो आपके कार्यालय में शिकायत लेकर जिनका बनाने में कठिनाई हो रही है, उनको दिक्कतें हो रही है? नहीं, देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं, जिसमें बहुत तरीके के वोटर हेल्पलाइन है, जैसे 1950 है, उसके माध्यम से कहीं से भी लोग शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन है और अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से लोग खुद भी अपना चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके डाल सकते हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं वो उसको जाँच लेंगे। और इसलिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं रही कि मतदाता को अपना नाम जोड़ने के लिए किसी कार्यालय में ही आना पड़ेगा। यद्यपि जो हमारे बीएलओ हैं बूथ्स पे जा रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। कुछ लोग अगर इस तरह मोबाइल के माध्यम से नहीं कर पाते उन लोगों की सुविधा से, लेकिन आजकल जिस तरीके से इसकी जागरूकता बढ़ रही है, अधिकतर लोग हम लोग देख रहे हैं कि वोटर हेल्पलाइन या NOHP के माध्यम से भी अप्लीकेशन दे रहे हैं और उनका भी फॉर्म ससमय निष्पादित किया जाए।